उत्तर प्रदेश की हापुड़ पुलिस ने तीन चोरी की वारदातों का खुलासा करते हुए 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से चोरी के वाहन, नकदी और हथियार बरामद हुए हैं। प्रदेश की हापुड़ पुलिस ने 12 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि यह बदमाश अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, जिनके पास से चोरी के वाहन, लूटी हुई नकदी व हथियार बरामद किए हैं। हापुड़ एसपी ने मामला खुलासा करते हुए बताया कि मेरठ निवासी वाहन चोरी के गैंग के साथ बदमाशों की गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने गिरफ्तार कर चोरी की 4 लग्जरी कार व अन्य वाहन बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि बाबगढ़ पुलिस ने एक सप्ताह पूर्व 1,44,000 की लूट का खुलासा करते हुए 80,000 लूटी हुई रकम भी बरामद की है। वाहन में 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। वहीं थाना हापुड़ देहात पुलिस ने कुछ दिन पहले हुई चोरी में 2 चोरों को गिरफ्तार किया था। उनकी निशानदेही पर चोरी हुए सामान बरामद किए थे। इसमें LED TV, इन्वर्टर व अन्य सामान बरामद किए गए थे। आज हापुड़ पुलिस ने कुछ गैंग पकड़े हैं, क्या गैंग से बरामद किए, किस किस तरीके के हैं? आज हापुड़ नगर में 3 अलग अलग थानों में अच्छी रिकवरीज की गई हैं। सबसे पहले बाबूगढ़ थाने के अंतर्गत एक लूट हुई थी 1,44,000 रुपये की। उसमें 6 अभियुक्त प्रकाश में आए थे और एक 6 अभियुक्त गैंग ग्राम जसौरा थाना मुंडाली मेरठ के हैं ये सभी रहने वाले। उनमें से 3 लड़के पकड़े गए हैं और उनके पास से लूटी हुई बाइक और लगभग 80,000 रुपये ये बरामद हो गए हैं। दूसरी घटना थाना गढ़मुक्तेश्वर की है। गढ़मुक्तेश्वर थाने के अंतर्गत जो टीम है हमारी, उन्होंने 2 चोरों को 7 चोरों को गिरफ्तार किया है और ये सब वाहन चोर हैं। ये गैंग दिल्ली NCR से गाड़ियां चोरी करके, नंबर प्लेट्स चेंज करके इसको वेस्ट बंगाल में सेकंड हैंड में बेच दिया करते हैं। उनसे हमें 4 कार रिकवर हुई हैं और तीसरे प्रकरण में हापुड़ देहात थाना के अंतर्गत एक चोरी हुई थी लगभग 4 दिन पहले, जिसमें जो भी सामान गया था वो 100% रिकवरी है। जो इन्वर्टर, बैटरा, LEDs, जो भी चीज़ें चोरी हुई थी सभी चीज़ रिकवर हो गई हैं और उसमें लगभग 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। तो जितनी भी तीनों केसेस मैंने आपको बताया उसमें 100% रिकवरीज के साथ सभी अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके हैं। 2 या 3 अभियुक्त शेष हैं, सभी केसेस मिला करके उन्हें भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।